हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में क्या खाना बनाए क्या नहीं बनाए, मुझे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। और अभी बच चुके 12, जस्ट 1 घंटे पहले मैंने बाथ लिया। आज मैंने बाल धो दिए हैं, बहुत गंदे हो चुके थे, तो बाहर तो किधर जा नहीं रहे पर फिर भी मेरे बाल थोड़े से ये हो गए थे। तो बहुत आज लेट उठी थी मैं, मुझे बहुत आज आयन ने रात भर हमें सोने नहीं दिया है। तो आज तो मैं करीबन 9 साढ़े 9 बजे उठी थी, बिल्कुल भी मुझे उठने नहीं हो रहा था। तो नाश्ता थोड़ा बहुत किया और अभी मैंने रखा है ये देखिए मटकी। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिसल, तो उसके पहले उसके सब छिलटे वगैरह निकल जाते हैं, मैं कर देती हूँ गैस को बंद। तो आज मिसल बनाने का सोचा, अभी क्या बनाऊँ बहुत मुझे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सोचा आज नीचे से ब्रेड लाएंगे, ब्रेड पे पाव तो मिल नहीं रहे, तो अभी पाव नहीं मिल रहे तो क्या करूं। तो आज मिसल, अभी हस्बैंड का तो वर्क फ्रॉम होम है तो वो उनके कामों में लगे रहते हैं, मैं मेरे कामों में लगे रहती हूँ थोड़ा बहुत। अभी सारे कपड़े वपड़े तो आज कुछ भी मुझे धुलने नहीं थे, तो लेटी उठी थी मैं। अभी मैं बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, हमारे घर से पूरा सब बंद है, कुछ भी चालू नहीं है। एक सिर्फ थोड़ा बहुत किराना की उसकी शॉप्स चालू होगी वही, और हमारे सामने डेयरी की दुकान है वो चालू रहती है। दिखाती हूँ मैं, कैसा लग रहा है आपको वर्क फ्रॉम होम करके? हाँ, घर बैठ के कंटाला है कि ऑफिस में जाने को, ये काम करने को कंटाला है? घर से काम करने को कंटाला है। इतना अच्छा आपके ऑफिस ने सहूलियत दिया है, गवर्नमेंट ने सहूलियत दिया है, फिर क्यों कंटाला आ रहा है? हम दोनों की वजह से। हम दोनों क्या परेशान कर रहे हैं आपको? अभी ये देखिए आयान, आयान को बस वो चीज इधर की इधर इधर की इधर लेनी रहती है उसको, लो ऊपर देखा हस्बैंड का क्या बोलना। और मतलब इन लोगों को ऑफिस में अच्छा लगता है बिकॉज वहाँ पे एसी वैसी सब होता है तो गर्मी होता नहीं। अभी गर्मी इतनी है तो मतलब घर में कंटाला आ रहा है, उससे अच्छा ऑफिस में काम करने को अच्छा लगता है। हम दोनों परेशान करते, सोचिए आप कैसे। ठीक है, चलेगा। अभी क्या, अभी ऐसे तो मिलते नहीं है सैटरडे संडे के अलावा, तो अभी परेशान कर लिया जाए, मेरे से ज़्यादा आयान परेशान करता है। चलिए मैं बनाती हूँ मेरा मिसल और आप देखिए रेसिपी कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है, कैसी लगी। बहुत सिंपल बनाती हूँ मैं, इतना कुछ कोई भी मेरी रेसिपी में ट्रिकी नहीं करती हूँ, एकदम सिंपल सोबर और खाने में भी टेस्टी लगे। चलिए मैं बनाती हूँ रेसिपी फटाफट, क्योंकि अभी थोड़ा लेट हो चुका है, मुझे आयन का भी खाना रखना है और ज़रा सा मटकी भी, ये देखिए इसमें से सारा पूरा कचरा वगैरह सब निकाल के ये कर दूँगी। ऑनियन वगैरह टमाटर वगैरह सब कट कर दिए है, मैं बनाऊंगी, 10 मिनट का काम है। तो यहाँ पे अभी मैंने मिसल बनाने के लिए एक कुकर लिया है, उसमें ऑयल डाला है और ऑयल में सीधा गर्म हो जाएगा तो हम हींग डालेंगे। हींग के बाद मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, उसको ज़रा सा सौटे होने देंगे, सौटे हो जाएगा उसके बाद जो हमने ऑनियन टमाटर वो सब काट के रखा है वो डाल देंगे। और 5 to 10 मतलब जहाँ जब तक ऑयल ऊपर आता नहीं तब तक हम उसको अच्छी तरह से भुनेंगे। ये भुनने का प्रोसेस आपको 5 से 6 मिनट करीबन करना है, उसके बाद हम अब सारे मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऑयल की क्वांटिटी है थोड़ी सी मैंने ज़्यादा रखी है, मिसल में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है ऑयल। उसके बाद अभी हम सारे जो मसाले हैं और मेन इंग्रेडिएंट तो आपको पता ही है मिसल मसाला है वो, तो यहाँ पे मैंने हल्दी डाली है, उसके बाद हम जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है तीखा लाल वो डालेंगे और सॉल्ट डालेंगे एज़ पर टेस्ट। उसके बाद अच्छी तरह से हम भून लेंगे और थोड़ा सा जो धनिया पाउडर होता है वो डालेंगे। जो तीखा है आप आपके टेस्ट के अनुसार बना सकते हो, ज़्यादा तीखा या कम तीखा। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को ज़्यादा तीखा पसंद है तो मुझे ऑलवेज़ ज़्यादा तीखा ही बनाना पड़ता है। उसके बाद मैंने मिसल मसाला डाला है, यहाँ पे मिसल मसाला भी आप आपके टेस्ट के अनुसार डाल सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा डालोगे तो ही उसका मिसल का टेस्ट अच्छा आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं स्टोर कर रही हूँ,
अच्छी तरह से आपको 5 मिनट्स तक स्टर करना है। उसके बाद जो मटकी मैंने भिगो के, मतलब जो गर्म पानी में रखी थी, उसके सारे छिलटे निकाल दिए हैं और सारा मटकी आपको डाल देना है और अच्छी तरह से हिला लेना है। और उसके बाद पानी आपके अनुसार डाल सकते हो, मतलब यहाँ पे मैंने करीबन 1 से 1.5 गिलास पानी डाला था। तो ये पानी मतलब जितना आपको पतला रखना है, अगर आपको मिसल तो पतला ही अच्छा लगता है, वो तो सभी को पता है। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल के कुकर की 1 या 2 विसल हो जाएगा तब तक वो अच्छे तरह से पक जाता है। तो यहाँ पे मैंने पानी डाला है, पानी डालने के बाद हम कुकर की लिड को अभी बंद कर देंगे और जो गैस का फ्लेम है वो थोड़ा हाई रखना है। तो 1 से 2 विसल में तो आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे ये मिसल बना के रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने अभी देख सकते हो आयन की खिचड़ी रख दी है और हस्बैंड ने मिसल के लिए चिवड़ा और ब्रेड ला दिया है। हमारा दोपहर का लंच का तो बन चुका है। आयन की खिचड़ी हो जाए तो पहले मैं उसको खिला देती हूँ फटाक से, बिकॉज वो बहुत किरकिर कर रहा है। उसको एक बार खिला दिया, सुला दिया, फिर हम आराम से हमारा लंच करेंगे, वरना वो ये खिच वो खिच उसका चालू रहता है। तो चलिए फटाफट आयन की खिचड़ी है वो मैश करके घी वगैरह डाल के उसको खिला देती हूँ, फिर हम मिलते हैं बाद में। फिर से मुझे शाम को उठ के थोड़ा सा कपड़े वगैरह लेकर उसको घड़ी वगैरह करके दूसरे कामों में भी लगना है थोड़ा सा। अभी हम दोपहर को सो जाएंगे। मैं सो जाऊँगी, उनको काम है तो वो काम करेंगे, मैं ही सो जाऊँगी, आयन भी सो जाएगा, 3 घंटा आराम से वो सो जाएगा। उसके बाद उठ के हम काम करेंगे। अभी तो कर मेरा बर्तन वगैरह सब क्लीन हो चुका है, थोड़ा सा अभी दोपहर का है वो रहने दूंगी, वो मैं बाद में करूँगी। कभी कभार संकल आता है या फिर मेरी बॉडी पेन भी करती होती है तो मैं फिर रात के बर्तन भी क्लीन कभी कभार नहीं करती हूँ, मैं सुबह करती हूँ सारा सब कुछ। तो अभी तो मैंने सब कर दिया है, देखिए क्लीन ऑलमोस्ट डन है सब कुछ, फटाफट। मेरा लंच टाइम हो गया है और मेरा सारा आयन भी सो गया है, इतना अच्छी तरह से आराम से सो गया। तो वो अभी 2-3 घंटा तो आराम से सो जाएगा। अभी हम दोनों खा लेते फटाक से क्योंकि दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। अभी ये देखिए हस्बैंड से मस्त एंजॉय। हेलो, तो अभी हो चुका है इवनिंग, मैं उठी थी अराउंड 5 बजे, बहुत आज तो रिलैक्स हुआ मुझे। आयन तो 6 बजे उठा, तो अभी हमें जाना है बाहर, बाहर डीमार्ट जाना है सामान लेने, बट आई डोंट नो कि डीमार्ट चालू है या नहीं है, आज हम देखेंगे वहाँ जाके। और सामान आई होप हमारा थोड़ा बहुत ख़त्म हो चुका, ऑलमोस्ट ही ख़त्म हो चुका है, अभी देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो अभी तो बच चुके हैं 7, अभी देखते हैं, नहीं तो फिर अदर कोई दूसरे स्टोर से, या तो फिर आज या तो फिर कल लाने जाना पड़ेगा हमें। तो चलिए मैं चलती हूँ फटाफट, हम लोग लेकर आते हैं, क्योंकि मुझे डिनर की प्रिपरेशन करनी है, मैंने कुछ भी किया नहीं है। देखती हूँ अभी क्या बनाती हूँ क्या नहीं, फटाफट आके फिर मुझे कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो अभी तो हस्बैंड का भी काम ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग फटाक से जाकर आते हैं पहले, फिर आके डिनर का तैयारी करूँगी। आयन तो गया है उसके दादी के पास, तो हम तो बिल्कुल भी उसको लेकर नहीं जाएंगे कहाँ भी। और मैं अभी मास्क डाल लेती हूँ, मास्क भी। तो भी तो चलिए अभी मैं चलती हूँ, मिलती हूँ मैं अभी आपको बाद में, या तो फिर मैं व्लॉग को एंड करूँगी या करूँगी। तो आई होप ये मेरा व्लॉग अगर पसंद भी आए या पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।